खुश मैं उनसे इतना होगा कि वो एक्टर बने, मैं खुश उसमें होगा कि वो इंजीनियर बने। No, MTRs is in August and... Sorry? Yeah. Yeah. A lot of it is shot outside India and some days in India. See, obviously, मतलब ये तकलीफ रहती है सबको यार, मैं भी सोच रहा था, परसों ही सोच रहा था ये, और बट इस बार फिर भी बेहतर है कम्पेयर टू द ईयर्स बिफोर, थोड़ा बेहतर है सड़क, लेकिन अब ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ ना कुछ काम जो है ट्रैफिक करने की सोच रही है। तो मैं भी परसों आ रहा था कहीं से, मैं बोला मैं 45 में पहुँचूँगा, मीटिंग थी मेरी स्टार के टी वी वालों के साथ, मैंने कहा मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मैं 9 बजे निकला, मैं 11:30 पहुँचाया से। सो या ट्रैफिक हो जाता है, बट इंटरनेट है, ट्राई टू फाइंड सम वर्क टू थिंक पॉजिटिव, बट आई थिंक इट्स मच बेटर देन इट वाज फ्यू इयर्स अगो, सो इट्स इंप्रूविंग अ लॉट। मैं इतना डीपली नहीं सोचा, मैं भी आम आदमी की तरह बस परेशान हूँ, मैंने इतना सोचा नहीं है उसके बारे में। सॉरी, मैं कोई ऐसी सलाह दूंगा कोई बुरा मान जाए उसको, बुरा नहीं। व्हाट इज़ माय फिटनेस मंत्रा? मैं कम खाता हूँ, मैं खाने के बीच में खाना नहीं खाता हूँ, मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अच्छी थॉट्स सोचता हूँ, मैं और क्या दिन में 3 या 4 बार नहाता हूँ जहाँ जहाँ मौका मिलता है, शूटिंग पे कभी इतना नहीं मिलता, और कोशिश कर रहा हूँ कि 5-6 घंटे सो जाऊँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सोचता भी फिट हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरे को लगता मैं थोड़ा सा भी अनफिट हो गया, और इसलिए मैं फिल्म के लिए आ गया, और मेरे 3 जवान बच्चे हैं तो वो बहुत फिट रहते हैं, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं उनकी तरह रहूँ, क्योंकि जो छोटा वाला है उसके साथ भी मुझे फुटबॉल खेलनी है, सो आई ट्राई टू रिमेन फिट। एनी जेन्युइनली मंत्रा है मेरा, मैं कम खाता हूँ और खाने के बीच में नहीं खाता हूँ, जैसे अभी मैंने लंच नहीं किया, मैं लंच करूँगा और लंच और डिनर के बीच में कुछ भी नहीं खाऊँगा, एंड हेल्दी खाना खाऊँगा। ओके, लास्ट थ्री, हाँ मुझे भी जाना है यार, बिटवीन माई सेल्फ आमिर एंड सलमान, आई थिंक वी हैव अ ह्यूज लाइकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड वी ऑल फील द सेम अबाउट द अदर टू, आई ऑल्सो फील देयर बिगर स्टार्स देन, इफ यू आस्क सलमान कैन ऑल्सो से द सेम थिंग, आई थिंक इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट and knowing each other for so many years now. You know, we've known each other for 25 years from the day we have stepped into the car. I mean, they were here 2 years ago earlier. The day I stepped into their houses and their lives, they were very funny. So I think a lot of things that we say about each other should not be taken as that Amir is saying the truth in that way, but he's showing respect and regard and he's being dignified. And we show that to each other. And having said that, I'm sorry, I haven't said it. मैं कल नितेश के साथ शूट कर रहा था जो डायरेक्टर हैं लगे, मुझे फ़ोन लगा नहीं आमिर का, सो होपफुली दिस विल वर्क, उसका जो नया पोस्टर है बहुत खूबसूरत है, वो जो लड़कियों के साथ आई थिंक ही लॉन्च कर फ्यू डेज अगो, बहुत ही अच्छा है, सो आई रियली लाइक इट, आई लाइक कॉलिंग हिम, आई डोंट गेट थ्रू, बट आई टोल्ड नितेश एंड ऑल, सो वी रिस्पेक्ट ईच अदर, और हम तीनों इस मुकाम पर हैं कि हम तीनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के अलावा कुछ और करना आता ही नहीं, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर फॉर वॉट यू हैव डन। यहाँ भी ऑल डेस्टिनी स्वे विच आई, मतलब कितनी बार मैंने सुना है और हम आई एम श्योर दूसरे एक्टर्स ने भी सुना है, इसका टाइम अच्छा चल रहा है यार, इस पर खुदा मेहरबान है, इस पर आशीर्वाद है, वी आर ऑल डेस्टिनी स्टिल, आई थिंक जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड में आते हैं और सब मेहनत करते हैं, बट जो मुकाम 2-4-8 लोग को मिल जाता है, और इसमें बहुत सारे और भी हैं सिर्फ अपना नाम नहीं ले रहे, आई थिंक ये कहीं ना कहीं पर I think God has been very, very, very kind on us. People have been very kind on us. और ये बात हम सबको मालूम है. We are all destinies too. And I hope and pray at this stage of our lives that there are more destinies too than just 5, 10, 20 in the creative field. There should be many more. It's good to be a destiny's child and enjoy all the benefits, all the happiness, and more than that, the love of God. I'm equal with my children. You can't choose one child over the other.
you know, when Aryan was the first child, then Suhana is most special because she's a girl. And Abraham is the youngest, so obviously everybody loves him a lot and plays with him. He's got more people to play with. But yeah, I can't really decide. I have a dude son, I have this pretty lady, and I have a little gangster. I have them all. And it's really nice to spend time with them. तीनों के साथ कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज़ मिलती है मुझको. अब ऐसा चूज़ करना कि उनमें से कौन मेरे ज़्यादा पैम्पर्ड है, क्लोज है, आपके पेरेंट्स भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ज़्यादा प्यार करते हैं या आपके भाई को. सबको इक्वली करते हैं. सो आई लव देम. आई एम लाइक, इट्स नॉट इवन लव, दे आर माय चिल्ड्रन. दे ऑल लव देम. आई होप दे लव मी इक्वली एज मच एज वी लव देम इक्वली. थैंक यू. Thank you very much. उल्टा ही खड़ा हो.